नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टेनिस के बिग थ्री नोवाक जोकोविच, मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल और रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिलाओं में स्लोवेनिया की तमारा जिडेंसेक और रूस की अनास्तासिया सर्गेवना पावला चेनेकोवा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फुटबॉल में 2023 एशियाई कप क्वालिफायर्स के लिए कल दोहा में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 169 रन बनाकर पारी घोषित की और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य रखा। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। टेनिस के बिग थ्री नोवाक जोकोविच, मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल और रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन तीनों के अलावा महिलाओं में स्लोवेनिया की तमारा जिडेंसेक और रूस की अनास्तासिया सर्गेवना पावलुचेनकोवा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चौथे दौर में तमारा ने रोमानिया की सोराना क्रिस्टी को 7-6, 6-1 से हराया। वहीं अनास्तासिया ने अमेरिका की क्रिस्टीना मैकेल को आसानी से 6-4, 6-0 से शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में ही आज रात सेरेना विलियम्स भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। इगा स्विटेक और कोको गॉफ ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र का। मेंस टेनिस के बिग थ्री नोवाक जोकोविच, मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल और रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड नंबर वन जोकोविच ने तीसरे दौर में लिथुआनिया के पिकॉर्स बेरंकिस को हराया। इसके साथ ही उन्होंने 12वीं बार टूर्नामेंट के अंतिम 16 में जगह पक्की करने का रिकॉर्ड बनाया। जोकोविच ने एक बार फ्रेंच ओपन जीता है, वहीं अब तक 18 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। जोकोविच अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए इटली के लॉरेंजो मुसेटी का सामना करेंगे। वहीं पिछले साल के विजेता राफेल नडाल ने इंग्लैंड के कैमरन नोरी को लगातार 3 सेट में हराया। नडाल की इस ग्रैंड स्लैम में ये 103वीं जीत है। वे किसी ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा बार मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नडाल 50वां प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। रोजर फेडरर ने तीसरे दौर में डोमिनिक कोएफर को हराया। अब वह अपने अगले मैच में मातियो बेरेतिनी से मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स की बात करें तो स्लोवेनिया की तमारा जिडेंसेक और रूस की अनास्तासिया सर्गेयेवना पावलुचेनकोवा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात सेरेना विलियम्स भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। 17 साल की अमरीकी खिलाड़ी कोको गॉफ पहली बार फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। वर्तमान चैंपियन इगा स्विटेक भी एनेट कोंटेविट को हराकर चौथे दौर में पहुंच गई हैं। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन। और इस बीच मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी सुना कि किस तरीके से अब ये जो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं और कुछ क्वार्टर फाइनल मुकाबले अभी निर्धारित हो चुके हैं, और जैसा कि जो स्लोवेनिया की तमारा जिडेंसेक और रूस की अनास्तासिया ने जो है क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, और वहीं पे जब बिग थ्री की बात होती है, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, ये भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक सवाल है पुरुषों का, तो इसमें रोजर फेडरर को थोड़ा सा जूझना पड़ रहा है। उसकी वजह है, जो वजह बहुत साफ है जी। 17 छठा मैच खेला इन्होंने। घुटने की इंजरी भी थी, उससे भी ये बहुत परेशान थे, बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। जहां पर भी उनका पहला सेट देखा टाई ब्रेकर, दूसरा सेट देखा वो भी टाई ब्रेकर, तीसरा सेट भी टाई ब्रेकर में ही उनका गया। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो उनका जो अपोनेंट था ना कोफर, उसकी सर्विस पर वो बहुत ज्यादा जोर देता रहा है शुरू से ही, और इसी सर्विस उसमें उन्होंने ज्यादा एज भी किए हैं, लगाए हैं और डबल फॉल्ट भी उसने किए हैं। उसका फायदा रोजर फेडरर को मिला क्योंकि फेडरर ने गलतियां बहुत कम की, अनफोर्स एरर्स बहुत कम थे, और वहीं कोफर के अनफोर्स एरर बहुत ज्यादा थे। सर्विस अच्छी थी, एज भी उनकी ज्यादा थी, लेकिन डबल फॉल्ट और एस उनके जो डबल वो डबल फॉल्ट के अलावा जो उनकी दिक्कतें थी अनफोर्स एरर की, वो उनको ले डूबी। और रही बात, अब उनका मुकाबला अगला जो है बहुत आसान है इटली के खिलाड़ी से, लेकिन वो भी 2 साल पहले नंबर 8 पर रह चुके हैं,
बेरोटिन ही जो कि इटली से ताल्लुक रखते हैं। जोकोविच की अगर हम बात करें, आपने जोकोविच का जिक्र किया, जोकोविच 9 में से 6 ब्रेक पॉइंट उन्होंने बुनाए हैं रिकार्डोस पिरोकिक्स के खिलाफ, और उनके अपोनेंट को एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला और 5 एस भी की उन्होंने, तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी। उनका मुकाबला भी इटली के खिलाड़ी से है, लॉरेंजो मुसेटी से, और जिनकी हाइएस्ट रैंकिंग बहुत। यहाँ पे एक खास बात और है कि 12वीं बार टूर्नामेंट के अंतिम 16 में जगह बनाई है उन्होंने। जी हाँ, ये अपने आप में एक यूनिक चीज है और लगातार कंसिस्टेंट है ये, और हर सतह के अच्छे प्लेयर हैं। अब नडाल देखेंगे आप तो क्ले के अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप बेटर देखेंगे तो वो क्ले छोड़कर विंबलडन में या ग्रासकोर्ट पर चमकते हैं, लेकिन ये जोकोविच ऐसा खिलाड़ी है हर सतह पर ये अपना कमाल दिखा चुके हैं, पर तो फ्रेंच ओपन टाइटल भी जीता है और अब 76वीं रैंकिंग के खिलाड़ी से उनका मुकाबला होना है। लेकिन अब राफेल नडाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहली सर्विस पर बहुत ज्यादा जीत हासिल की है, उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले हैं 85 बार, जैसे कि मैं आपकी रिपोर्ट में अभी सुन रहा था, ग्रैंड स्लैम के प्री क्वार्टर फाइनल में 85वीं बार उनका पहुंचना अपने आप में यही इंगित करते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और बजरी के तो वो बादशाह है ही है, और रिकॉर्ड 13वां फ्रेंच ओपन जो है उस पर उनकी नजरें हैं, और सबसे बड़ी बात है 2019 के बाद वो सेट नहीं आ रहे हैं कोई भी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके हुनर का और उनके कंसिस्टेंसी लेवल का। और उनके सामने भी अब इटली के ही टेनिस स्पिनर होंगे, यानी तीनों जो महान खिलाड़ी हैं तीनों के सामने इटली के ही खिलाड़ी होंगे, और उस इटली के खिलाड़ी ने भी इटली के खिलाड़ी को हराकर ये प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले मुकाबले जो है जोकोविच फेडरर और नडाल के और उतने मुश्किल नहीं है जितने की रोजर फेडरर के, क्योंकि उनके सामने वर्ल्ड नंबर 8 है 2019 का। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से अगर हम देखें तो ये जो हमारी जो बिग थ्री खिलाड़ी हैं इनके ऊपर सबकी नजरें रहती हैं हमेशा, और जिस तरह से नडाल प्रदर्शन करते आए हैं और अपना जो 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, और एक हमेशा जब भी खेलते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाते हैं। और अगर हम और आज प्री क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है सेरेना विलियम्स का, क्या कुछ कहेंगे इस पे? सेरेना विलियम्स का अब लय में आना और अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक तो मुकाबले उनके ठीक ठाक चले हैं, और पुराना हुनर जो है वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, अगर वही कुछ चरित्रार्थ करने में वो कामयाब रही और खासकर अपनी सर्विस पर पूरी तरह से कंट्रोल करते अगर वो चली, तो मैं समझता हूँ कि उनको मूवमेंट में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिस तरह से वो कोर्ट पर पासिंग शॉट्स लगा रही हैं, बैकहैंड लगा रही हैं, तो उसको देखते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे उनका मैच देखना बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, तो सभी जो टेनिस प्रेमी हैं उनकी नजर रहती है इन लीजेंड्स के ऊपर किसी भी टूर्नामेंट में। टेनिस के बाद रुख करते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल में 2023 एशियाई कप क्वालिफायर्स के लिए कल दोहा में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले भारत को एशिया चैंपियन और मेजबान कतर से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ होने वाला है कल के मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना। कल सभी फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें भारत और बांग्लादेश के बीच दोहा में होने वाले दिलचस्प मैच पर होंगी। इससे पहले भारत को एशियाई चैंपियन और मेजबान कतर से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 33वें मिनट में कतर के एक गोल से बढ़त बनाने के बाद भारत ने 10 खिलाड़ियों से खेलते हुए अंत तक दूसरा गोल नहीं होने दिया और टीम ने जुझारू खेल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन टीम 2 साल के बाद चीन में खेली जाने वाली एशियाई चैंपियनशिप में जगह बनाने की दौड़ में शामिल है। लंबे समय से जीत का इंतजार कर रही टीम इंडिया के खिलाड़ी ब्रेडन फर्नांडिस ने कहा कि ब्लू टाइगर्स के लिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व रैंकिंग में टीम इंडिया बांग्लादेश से ऊपर है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक और करीबी होते रहे हैं। बांग्लादेश ने अपने पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया था। बांग्लादेश के कप्तान जमाल भोयान ने कहा है कि यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी होगा। देखना दिलचस्प होगा कि कल किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, ये रिपोर्ट थी मनीषा खन्ना की, जो ये बता रही थी कि किस तरीके से जो हमारी तैयारी है टीम इंडिया की और खिलाड़ी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस मैच की, और जो फुटबॉल के फैंस हैं उनको इस मैच का बहुत इंतजार है। मनोज, अगर आपकी क्या राय है कल जो भारत बांग्लादेश के बीच मैच होने वाला है? रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला है ये मैच, क्योंकि दोनों की स्थितियां बिल्कुल एक जैसी हैं। 6 मैचों में 3 अंक हैं भारत के, तो उनके भी 6 मैचों में 2 ही अंक हैं और वर्ल्ड कप की होड़ से बाहर हो चुके हैं दोनों टीमें, और अब जो एशियन
क्वालिफायर है एशिया कप क्वालिफायर 2023 पर, उस पर नजरें टिकी हुई हैं दोनों की। और दोनों मैच अब जीतने ही होंगे बचे हुए दोनों मैच, और भारत हारते हारते बचा था कोलकाता में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इसी बांग्लादेश की टीम से। बेशक रैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क है, 184 रैंकिंग है उनकी और 105 है भारत की, लेकिन वहां आदिल खान पता नहीं कहां से अवतरित हो गए, जिन्होंने आखिरी क्षणों में गोल करके भारत को बचा लिया और वर्ल्ड कप की होड़ से भारत बेशक बाहर हो गया हो, लेकिन अब अगर भारत जीता तो ये विश्व कप क्वालिफायर में 2015 के बाद भारत की जीत होगी। क्वाम को आपको याद होगा हराया था भारत ने 1-0 से, और सुनील छेत्री पर बहुत कुछ नजरें भारत की टिकी होंगी, जिनका बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, पिछले 3 मैचों में वो 2 गोल भी कर चुके हैं। बस हमें सावधान रहना होगा बांग्लादेश के काउंटर अटैक से, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अफगानिस्तान से पिछड़ने के बाद जिस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से वापसी करके मैच को बराबरी पर खत्म किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। जी हाँ, और जिस तरीके से अगर हम पिछले मैच पे एक नजर डालें कि किस तरह से जो कतर के साथ भारत का मैच था, हालांकि हमें 1-0 से हार का सामना जरूर करना पड़ा, पर खिलाड़ियों ने जिस तरह का जो संघर्ष किया मैच जीतने के लिए, कतर को रोकने के लिए, वो एक दिखाता है कि टीम इंडिया अब वो टीम नहीं है और बहुत ही तैयारी के साथ गए हुए हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर सिद्धार्थ, आप ये देखिए कि एशियन चैंपियन थे हमारे सामने, कतर जो है एशियन चैंपियन है, अपने घर में खेल रही है, और 18वें मिनट में हमने एक प्लेयर गवा दिया, यानी हम 10 प्लेयरों से पहले 90 मिनट का खेल होता है, 45-45 मिनट के 2 राउंड, और उसमें आप 18वें मिनट के बाद 10 खिलाड़ियों से खेलते हुए मैच 0-1 से आप हारते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आपके खेल है उसमें सर्वांगीण सुधार हुआ है, क्योंकि एक खिलाड़ी के कम होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और वहीं अगर हम देखें तो इस मैच में जो खास तौर पर जो नजरें रहने वाली है ना, वो मिडल जो आपकी जो मध्य पंक्ति है मिडफील्ड, उस पर रहने वाली है, और सुरेश वांगियम जो कि कम युवा खिलाड़ी है, उन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं अपने कोच आइगर साइमिक, उन्होंने उनकी काफी तारीफ भी की है। साल अब्दुल समद है, ब्रेंडन फर्नांडिस है, और विंगर के तौर पर कुरुनियान और उदांता सिंह तो है ही, जिन्हें पिछली बार पूरे मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, शायद एक स्ट्रेटेजी थी, बचाकर रखना चाहते थे उस हुनर को, क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि कतर से जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बांग्लादेश से जीतना ही होगा ये मानकर चल रहे थे हमारे कोच, और यही मैं समझता हूं कि हमारे विंगर और हमारे विंगर्स को अच्छा साथ मिला। अगर मिडफील्ड बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और इस बीच भारतीय मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा कोरोना जांच में संक्रमित पाए गए हैं, वो एकांतवास में हैं, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसकी पुष्टि भी की है। नजर डालते हैं क्रिकेट पर। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 169 रन बनाकर पारी घोषित की, और उसने 272 रनों की बढ़त हासिल करने के साथ ही इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार जो अभी हमारे पास है, इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए हैं। और अगर इस मैच पे आप देखें तो क्योंकि आगे टेस्ट का जो वर्ल्ड कप होना है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं, उसके हिसाब से इस मैच को बहुत ही अहम माना जा रहा है मनोज। जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होना है साउथहैम्पटन के मैदान पर 18 तारीख से, उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और हर कोई ये मानकर चल रहा है कि कंडीशन न्यूजीलैंड के पक्ष में है, फेवरेबल है, वहां भी तेज हवाएं चलती हैं, न्यूजीलैंड में काफी कुछ मिलता जुलता मौसम है, और इंग्लैंड में अभ्यस्त होने का उन्हें मौका मिलेगा 2 टेस्ट मैचों का, और ट्रेंट बोल्ट को जो जिस तरह से उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है वो उनकी एक अच्छी सोची समझी स्ट्रेटेजी है। और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से टिम साउदी, अब देखिए वनडे और T20 वाला टिम साउदी को भूल जाइए, वो टेस्ट में बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, 6 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, ये भारत के लिए थोड़ी सी एक चिंता का सबब है। 43 रन जिन्होंने, जी हाँ, काई जेमिसन जिन्होंने 6 मैच खेले हैं और 6 के 6 मैच जीते हैं, बहुत लकी रहे हैं, 36 विकेट है उनके 6 मैचों में, और यहां भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए, जिस तरह से जो रूट को आउट किया, सिबले को आउट किया, जमे जमाए खिलाड़ियों को का विकेट चटकाने में वो सिद्धस्त माने जाते हैं। उनसे एक और आ गए हैं उनके पास एक अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज, और जिन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में बना दिए, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दोनों टीमों में अब थोड़ी सी चिंता की लहरें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन हमारा जो स्पिन अटैक है वो भारी पड़ेगा, और हमारी जो स्पिन है वो आप समझिए कि दोनों के बीच में 80-20 का फर्क है, बाकी बेशक बल्लेबाजों को हमारे ज्यादा जूझना पड़ सकता हो पहले ही मैच में, तो जब भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की टीम न्यूजीलैंड जाती है, इंग्लैंड जाती है, तो उसे थोड़ा सा जूझना पड़ता है पहले 1-2 मैचों में। जी, और हमारी टीम क्या कुछ कर रही है ये बताते हैं अगली खबर में।
टीम इंडिया ने साउथहैम्पटन में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इंग्लैंड में 3 दिन के सख्त क्वारंटीन के बाद आज रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और चेतेश्वर पुजारा सहित कुछ खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। इस दौरान जडेजा और सिराज ने दाइजिस पूल में गेंदबाजी का अभ्यास किया। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा कि 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। जडेजा ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर करते हुए लिखा है कि साउथहैम्पटन ने पहली आउटिंग। सिराज ने भी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मेरे हाथ में बॉल आते ही मेरे चेहरे पर खुशी लौट जाती है। वहीं पुजारा ने लिखा है कि फिटनेस के लिए रनिंग प्रैक्टिस की। 10 दिन के बाद यानी 13 जून से सभी खिलाड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो मनोज, इस समय जो टीम इंडिया है उसके सारे खिलाड़ी, उनका टेम्पो हाई है और बहुत ही वो एकदम तैयारी में हैं। और हालांकि जैसा कि अभी आपने भी इसके पहले कहा था कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा या बहुत ज्यादा अभ्यास करने का मौका, क्योंकि सीधे उन्हें खेलने जाना है, तो ऐसे में देखते हुए अगर खिलाड़ियों का हौसला इस तरह से है तो उम्मीद है कि कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। निश्चित तौर पर मिलने चाहिए। स्पिन भारत की बहुत बड़ी ताकत है और बल्लेबाज अगर टिक गए ना, मैं समझता हूँ शुरुआती ओवरों में जिस तरीके से बोल्ट और साउदी, इनका सामना आपने अच्छे तरीके से कर लिया, शुरू का 1 घंटा निकाल लिया सुबह का, तो और भारतीय बल्लेबाजी अगर पूरे शबाब पर रही तो भारत को चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे जेमिसन आ जाए, चाहे बोल्ट आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी बल्लेबाजी को कंट्रोल करना भारतीय गेंदबाजों को आता है। भारतीय गेंदबाजी में भी कोई कमी नहीं है। ड्यूक बॉल से भारतीय खिलाड़ी शुरू से उसकी मांग करते रहे हैं, एसजी बॉलों पर ज्यादा उसको तवज्जो भी देते रहे हैं, तो ड्यूक बॉल भी कोई परेशानी का सबब नहीं है। उनको पसंदीदा अपनी बॉल मिलेगी खेलने को, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अच्छी प्रैक्टिस और कूल माइंडेड होकर, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल टीम है। जिस तरह से विराट कोहली ने यहाँ से रवाना होने से पहले जिस तरह के बयान दिए हैं कि आप जिस तरीके से सोचते हैं चीजों को, मैं बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि एक विनिंग कैप्टन है मनोज, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान की राजधानी टोक्यो में होना है। अब इसे लेकर बेहद कम दिन रह गए हैं और खिलाड़ियों की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। आइए सुनते हैं भारत के पदकों की उम्मीद पर हमारे सहयोगी शिवप्रकाश की ये विशेष रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा जिसका सभी खिलाड़ियों को इंतजार रहता है। भारत के 100 खिलाड़ी अब तक 14 इवेंट में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इनमें 56 पुरुष और 44 महिलाएं हैं। महिला और पुरुष हॉकी के लिए 16-16 खिलाड़ियों के बाद सबसे ज्यादा 14 खिलाड़ी शूटिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इनमें 8 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। इसके बाद एथलेटिक्स में 14 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं। एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह पदक की सबसे बड़ी उम्मीद है। वेट लिफ्टिंग में भारत की मीराबाई चानू भी पदक की दावेदार हैं। इस बार देश के 15 निशानेबाजों की टीम ओलंपिक में जा रही है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा निशानेबाजी दल होगा। इस बार भी इसमें पदक की उम्मीदें हैं। कुश्ती में भी 8 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में जा रहा है। इसमें बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और दीपक पुनिया से पदक की उम्मीद की जा रही है। मुक्केबाजी में अमित पंघाल, विकास यादव, मनीष कौशिक, आशीष कुमार, सतीश कुमार, मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगोहेन और पूजा रानी पदक ला सकते हैं। शूटिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग में जहां भारत को एक से ज्यादा मेडल की उम्मीद है, वहीं एथलेटिक्स, बैडमिंटन और हॉकी में भी मेडल मिलने की उम्मीद है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन में पीवी सिंधु से पदक की आशा है। उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। शिवप्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अब समय नहीं है मनोज की कुछ और खेल खबरों पर हम आपसे चर्चा करें। मनोज, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टेनिस के बिग थ्री नोवाक जोकोविच, मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल और रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं में स्लोवेनिया की तमारा जिनेनसेक और रूस की अनास्तासिया सर्गेवना पावलो चेनकोवा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। फुटबॉल में 2023 एशियाई कप क्वालिफायर्स के लिए कल दोहा में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 169 रन बनाकर पारी घोषित की। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।